पर बड़ी खबर, जहां बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर बवाल जारी है और बिहार के नए डीजीपी ने भी आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में शराब कांड के बाद अब ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई दर्जनों मौत के बाद बिहार पुलिस और आबकारी विभाग एक्शन में है। पुलिस प्रशासन की टीम शराब तस्करों पर लगातार नकेल कसती जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सारण जिले के शिवहर में सैकड़ों लीटर देसी शराब जब्त किया, जिसमें 300 लीटर तैयार शराब भी शामिल है, जिन्हें पुलिस ने फौरन नष्ट कर दिया। पुलिस प्रशासन की टीम शराब की भट्टियों का पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ले रही है। साथ ही शराब पीने वाले और बेचने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का मामला भी अब तूल पकड़ चुका है, जहां बीजेपी आज बिहार विधानसभा के परिसर में ही धरना देगी, तो वही एनएचआरसी की टीम जांच के लिए अब छपरा पहुंच चुकी है। बिहार शराब कांड में मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 77 बताया जा रहा है। वही विपक्ष का आरोप है कि मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है, मगर सरकार आंकड़े छिपा रही है। विपक्ष के आरोपों के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कल छपरा के सदर अस्पताल पहुंची और पीड़ितों से बात की। ये टीम हालात के सही आकलन के लिए बिहार के उन सभी जिलों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी जहां जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आए हैं। वहीं पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग के साथ बीजेपी के सभी एमएलए और एमएलसी आज बिहार विधानसभा परिसर में धरने पर बैठेंगे।